गवर्नर पुतला लेइए उठा हक लाइए फूक रहे हैं उसी तसरे ही ये एलजी सारे लोग के वास्ते मरिए एलजी गरीब के वास्ते मरिए और इसी एलजी की जेएड के नाम पता ही नहीं है। अगर जेएड के नाम था तो उसी पता था जेएड के लोग का दुख दर्द था बारो लेइए सारे सिर के ऊपर सुट्टी ले रहे इसी आई तो निठाना है और आई जड़ा है सस्ती बिजली का प्रबंध कर रहे हैं सस्ते राशन का प्रबंध कर रहे हैं अपने लोगों वास्ते नौकरी का प्रबंध कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं करके तो आई इस सरकार के खिलाफ भी होंगे आया मेरी सरकार एनसी जब कांग्रेस भी बनी है इन्हें आश्वासन दिता यही गरीबे वास्ते कुछ करके इस कारण अजा आई जड़ी है उस सरकार के खिलाफ नहीं बोला करते। अगर कुछ दिनों के बीच इस सरकार ने आश्वासन नहीं दिता ये गरीब लोगों की इनके जो पुराने बिजली का बिल है इसी माफ करके और जेड़े पीटू लोगों के घर से लकड़ लगे हुए हैं इनकी बंद अगर नहीं कराया तो यह प्रोटेस्ट जोड़ा है इसे और बटा करके लेकिन ये डिमांडा नहीं मना उल्टी वाले धमकी दे डीसी ने सू धमकी दे डीसी सू आखा तुम दिख लो तुम पढ़ने आले बच्चे हो गए थोड़ी एफ आई आर हो जानी है अस जो साढ़े कहना कहते ना एफ आई आर को नहीं डरते सारी इतो की जी जमीन है सारी इतो की जी बत्ती है सारा इतो का संसाधन है असि जान नहीं देने सौखे जान नहीं देने अभी मीडिया थ्रू ये गल असं दें अच्छ जरा जरा मेन प्रोटेस्ट जरा रोड करने सा मेन मकसद है ये डीसी की एक टेलर दसने वाला सारा एक मकसद है निकू वाला टेलर दसा 15 तरीक तो कोला भी अभी बड़ा दसगे जी डीसी के डीसी ने साढ़े कहना बदतमीजी की है असं उस जवाब देगा और एल जी का जरा पुतला है वो गलों में पाइए मीटर का पाइए अं डीसी तक फूक लेना और दूसरी गल डीसी की क्या पता सर इधर का के है के नहीं है और देखो अस मीडिया थ्रू ये पूछना चाहते हैं निकी गल जी गल निकी गल जी इलीगल गल है जी कि सून सू जाना चाहिए उन्हें क्या आओ तुम जो मेमोरेंडम ये लो पकड़ो उन्हें कख नहीं गल की उन्हें क्या ले जाओ ये कोई मेमोरेंडम नहीं है और फिर बाद पता नहीं किया ले लिया लेकिन सू धमकी दी है थोड़े पर एफ आई आर करी एक कठुए का डीसी सू धमकी दिया अच्छ डीसी साहब भी असं आख दें अच्छ अं टेलर दसा 15 तरीक इन गला भी महा टेलर दस के अं विरोध करके जिस घर के अगर सारे छत के भी अगर मीटर लगे अस उसी कन्ना साना बसाना करिए तोड़ी देंगे जी भैया जबीन जवाहर मैं प्रदीप अंबेडकर ही प्रेसिडेंट अंबेडकर सेना मूल निवासी अंबेडकर सेना मूल निवासी और जन जागृति मंच का आज डेपुटेशन मानजोग डीसी साहब से मिला और डीसी साहब का जो रवैया था वो बहुत ही गलत रवैया था। डीसी साहब ने पहले तो मेमोरेंडम लेने से ही मना कर दिया और उसके बाद हमने जद्दोजहद की जब हमने कहा कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है हम इंडियन लोग अगर हमारा आपने मेमोरेंडम ही नहीं लेना तो आप क्यों चेयर पर बैठे हो तो फिर उन्होंने मेमोरेंडम तो ले लिया लेकिन हमको धमकी दी है कि आप पर एफआईआर करेंगे।
मैं आप सब मीडिया भाइयों के माध्यम से डीसी साहब को बताना चाहता हूं कि हम जेलों से डरने वाले नहीं है। हमने पहले भी जेलें देखी है, प्रशासन में हम कभी भी डर का माहौल नहीं सहेंगे, क्योंकि हम समाज के लोगों का काम करते हुए पहले भी जेलों में गए हैं, आगे भी जेलों में जाने के लिए तैयार हैं। और हम हर किसी अंबेडकर सेना मूल निवासी और जन जागृति मंच के लोग कभी भी हर किसी कठुआ में खास कर जो स्मार्ट मीटर है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम दोबारा आपके माध्यम से उनको बार बार बताना चाहते हैं कि जो बिजली है जम्मू कश्मीर में पैदा हो रही है, जम्मू कश्मीर से बिजली होने के बाद आप बाहर बेच रहे हो और फिर खरीद रहे हो, जो क्या तमाशा लगा रखा है, जो गरीबों पर आप डाका डाल रहे हो। हम सिर्फ आप मीडिया के माध्यम से प्रशासन से मांग करते हैं कि जैसे पहले लोगों को बिजली मिलती थी, जितने पैसों में मिलती थी, हम अब चाहते हैं कि जो बिजली है वो बिल्कुल फ्री में मिले, क्योंकि बिजली का बिल हम नहीं देंगे और जो बिजली के पुराने बिल भी आए हैं उनको वो माफ करे। और इतने कहते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। देखिए आज हम जो है वो चक देसा सिंह में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट का जो कारण है आपको सभी को पता है कि कठुआ शहर में स्मार्ट मीटर लगना स्टार्ट हो चुके हैं, और अगर हम जब बात करते हैं तो हमारी बात भी कोई सुनी नहीं जा रही है। हम आपके माध्यम से सभी को बता देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर किसी की बाप की जागीर नहीं है, ये हमारा जम्मू कश्मीर है और जहाँ के जो संसाधन है उनका उनके ऊपर पहला अधिकार हमारा है। जहाँ के पानी, जहाँ के जंगल, जहाँ के पहाड़, जहाँ की बिजली हमारा अधिकार है, ना कि इस डीसी का, ना कि इस एलजी का जो बाहर से आकर जहाँ बैठ कर अपनी बाप की जगीर बैठे समझे हुए हैं। आज जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ये क्यों लगा रहे हैं स्मार्ट मीटर? पंजाब में पंजाब हमसे बिजली खरीद के अपने पंजाब के लोगों को सस्ती और फ्री बिजली देता है, तो फिर हमारी सरकार इतनी निकम्मी है, हमारी जो स्टेट है, हमारी जो सेंट्रल सरकार है इतनी निकम्मी है, हमारी जो बिजली, हमारे जहाँ कितनी भरपूर मात्रा में बिजली बनाई जाती है और हमसे छीन कर और पंजाब में बाकी देशों में बेची जा रही है। हम आपको बता दें कि हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं, और हम आपको ये भी बता दें कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही काम है, हम अपने हक के लिए बोल रहे हैं। और हमें ये जो एजेंसियां हैं, जो सीआईडी है, आईबी है, से बार बार फोन करके इन्होंने हमें इतना परेशान कर दिया है कि आप अपना नाम बताओ, आप ये बताओ कहाँ रहती हो, क्यों भाई हमसे क्यों पूछ रहे हो इतना कुछ, हम कोई गलत काम कर रहे हैं? अगर आपको इतना कुछ पूछना है तो उनसे पूछिए जो चोरियां करते हैं, अगर आपको इतना कुछ पूछना है तो उनसे पूछिए जो चिट्टा बेचते हैं, जो शराब का ठेका चलाते हैं उनसे पूछिए, तब आपकी सीआईडी कहाँ रहती है? जब कोई सही बात उठाता है तो आप सभी उसके पीछे पड़ जाते हो। ये इनका दोहरा चरित्र है, जेल साफ साफ दिखाता है कि जेल से जो सीआईडी है, आईबी है, एनआईए, जे सरकार की गोद में बैठकर और जो समाज के लिए अच्छा सोच रहे हैं उनके खिलाफ साजिश जता रहे हैं। स्मार्ट मीटर का विरोध करो। जी बताइए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्यों? प्रोटेस्ट का जैसे कि आपको हमारे साथियों ने बताया, प्रोटेस्ट का मेन कारण ये है कि सरकार के आने के बाद पहला तोहफा ये स्मार्ट मीटर का जो इन्होंने लोगों को दे दिया। यहाँ पे अपने गरीब लोग हैं, मतलब कि उनका अपना घर का खर्चा ही चलना इतना मुश्किल है, और ये स्मार्ट मीटर का कहाँ से बोल पाएंगे? और ये चक चनगरा के वासियों का नहीं, ये हर शहर के हर नागरिक का ये हक है, वो अपना हक मांगना उसका मतलब कर्तव्य है। ये डेमोक्रेसी है, इसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता। ये तो फिर किसी की आवाज दबाने वाली बात हुई जो डीसी साहब ने बिहेवियर किया है। तो मेरी जनता से यही अपील है कि सभी जनता इस संग्राम को अपने दिल में रखते हुए सभी रोड पे निकलें और ये स्मार्ट मीटर को भगाएं, ये स्मार्ट मीटर को जलाएं। अगर बत्ती नहीं आग देनी है स्मार्ट मीटर को, ये हमारा एक नारा है। जय अगरबत्ती नहीं आग लगाओ, आग लगाओ, आग लगाओ, स्मार्ट मीटर को आग लगाओ, आग लगाओ, आग लगाओ, आग लगाओ।